राजस्थान में मानसून की पहली बरसात बैरन बनकर आई। जयपुर के आमेर में घूमने गए लोगों पर बिजली गिरी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर घायल हो गए। बिजली दो बार गिरी, जिसमें इन लोगों की मौत हुई है। खबर है कि पहाड़ी पर वॉच टावर पर गिरी बिजली से पहाड़ी से उड़े पत्थरों के टुकड़े भर भरा कर लोगों पर गिरे, जिसकी वजह से कई लोग जख्मी हुए हैं। राजस्थान में कोरोना की गिरावट के बाद सरकार ने अब दरिया दिली दिखाई है। अब राज्य के बाहर से आने वाले यात्री जिन्होंने टीके की पहली खुराक लगवा ली हो, उन्हें राजस्थान आने से पूर्व आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट और होम क्वारंटाइन के लिए अनिवार्यता नहीं होगी। इसके अलावा सरकार ने कुछ शर्तों के साथ सिनेमा घरों को फिर खोलने, आउटडोर खेल गतिविधियां शुरू करने, रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। राजस्थान के श्री गंगानगर में चल रहे किसान आंदोलन की चिंगारी बीजेपी को आज दे गई। असल में पदमपुर में बीजेपी की बैठक थी और इसी बीच किसानों का महापड़ाव बीजेपी से दो दो हाथ कर बैठा। किसानों ने बीकानेर के नौखा से बीजेपी विधायक बिहारी लाल विश्नोई के साथ हाथापाई कर ली। किसान नेताओं ने बीजेपी की बैठक में भी खलल डाला। इधर बीजेपी ने इसे अमर्यादित बताया है। किसानों ने कहा है कि बीजेपी का किसान विरोध बिल उनके दिल पर चोट कर गया और वो इसका हमेशा विरोध करेंगे। मेरा निवेदन है, अजय भी पहुंचो, आज विरोध प्रदर्शन इन्होंने चलूंगा, बीजेपी वाले भी मेरा ये कहना है, आज जाना ये तो हड्डा विरोध प्रदर्शन ते नहीं तो एदू बाद पंजाब वाला हाल करांगे। आज पहला दिन है, तुहानू वार्निंग है, एदू बाद जे गंगानगर जिले च मीटिंग कीती तुहाडा पंजाब वाला हाल करांगे। लोहे दे कच्चे पाके की फिल्म केसरी का सुपरहिट गाना तेरी मिट्टी में मिल जावा भारत की सीमा को लांघ चुका है और अब ये पाकिस्तान में भी गूंजने लगा है। पाकिस्तानी हुकूमत के सितम जेल रहे बलूचिस्तान में ये गाना अपनी जगह बनाता जा रहा है। बलोच सिंगर वहाब अली वुगाटी की आवाज में मनोज मुंसिर का लिखा केसरी फिल्म का गाना तेरी मिट्टी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में बह